देखिए अक्सर कह के अगर हम फोल्डर लगवाते हैं तो दुकानदार इस टेप को नहीं निखारता है, ऐसे ही छोड़ देगा, बाद में यहीं से पानी जाएगी आपके मोबाइल में, यहीं से टूटने का डर रहता है, इसी कारण से कभी कभी दुकानदार ऐसे ऐसे गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा फोल्डर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। मान के चलिए 15-20 दिन चलेगा। जैसे हमारा नया फोल्डर है, इसको न ही टेप लगाएंगे, न कुछ लगाएंगे, न स्टिकर काटेंगे, न इसको साफ़ करेंगे। जैसे किनारे किनारे एकदम पूरा साफ किया जाता है, इसको साफ भी नहीं करेंगे, वैसे हमारा पुराना फोल्डर उचार के तुरंत ऐसे ही बैठा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखिए तुरंत ऐसे ही बैठा देंगे ऐसे ही, और इसका बैटरी लगा के सब कुछ नट बोल्ट कस के दे देंगे। इससे हमारा फोल्डर 10 दिन 15 दिन चलता है, उसके बाद बेकार हो जाता है, लाइनिंग आने लगती है, टच नहीं काम करता है, या हल्का गिरेगा, टूट जाएगा या चिरक जाएगा, ऐसे ऐसे कंडीशन देखने को मिल जाता है। देखिए हमने काफ़ी मोबाइल बनाया हुआ हूँ या काफ़ी फोल्डर लगा लिया हूँ। देखिए ये हमारे पास फोल्डर लगा के रखे हुए हैं, आज अभी 3-4 मोबाइल या 5 मोबाइल का फोल्डर लगाए, सब में ऐसे ही था। देखिए इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बना लिया जाए। देखिए इसका भी फोल्डर लगाए और इसका भी फोल्डर लगाए और इसका भी फोल्डर लगाए, अब इसका लगाने चल रहा हूँ। तो मैंने देखा काफ़ी दुकानदार ऐसे ऐसे गलतियाँ किए रहते हैं, उस सब में जिस मोबाइल दिखाएँ उस सब में ना स्टीकर काटा गया था, ना टेप लगाया गया था, ना ज़्यादा साफ किया गया था, वैसे ही आधा बैठा था, आधा किनारे किनारे से डिस्प्ले लाइट दिखाई पड़ती थी, टूटा था तब भी। देखिए ऐसी ही कंडीशन रहे तो भैया ज़्यादा दिन फोल्डर नहीं चलता है। फोल्डर लगाने के लिए हमको जितना अच्छा इसको साफ करना पड़ता है, उतना बढ़िया हमारा फोल्डर जाके उसमें बैठेगा। और फोल्डर लगाने से पहले जो एकदम फुल डिस्प्ले रहता है, यहाँ उसको टेप मार देना चाहिए और स्टीकर को निखार देना चाहिए, तब फोल्डर बैठाना चाहिए, नहीं तो फोल्डर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और बराबर काम नहीं करता है, लाइनिंग भी आ जाती है, डिस्प्ले प्रॉब्लम होने लगता है, टूट जाता है। ऐसे ऐसे कंडीशन अगर रहेगी तो आपकी मोबाइल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और एक बात बता दे रहे हैं, जो मोबाइल को साफ करते हैं तो काफ़ी दुकानदार इसको जो ये है पट्टी जो इसमें लगी रहती है, ये हमारी पानी सोखने वाला वाटर प्रूफ वाला, जिससे हमारा पानी इसमें सोख जाए, डिस्प्ले पानी ना जाए, एक कपड़ा लगाया रहता है, कंपनी लगा के देती है, और ये सपोर्टिंग भी रहता है कि अगर हमारी मोबाइल गिरेगी या इधर उधर हल्का फुल्का दबेगी तो इसी पे आके अड़ेगा, ये सोखता है, ऐसे चपक जाता है इधर उधर करने पर, तो इससे हमारा फोल्डर फूटता नहीं है और चिटकता नहीं है अगर ये हमारे मोबाइल में लगा रहेगा। ज़्यादातर टिकनो इनफिनिक्स में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इसमें ज़्यादा लंबी मोबाइल रहती है, इसमें इसीलिए ज़्यादा लगा के देते हैं, किसी किसी मोबाइल में 6 ही लगा देते हैं, किसी किसी मोबाइल में 4 ही लगा के देते हैं, लेकिन अक्सर कह के 4 ही लगा के देते हैं। इसका यही काम रहता है कि पानी जाए तो ये सोख सके, प्लस हमारा डिस्प्ले या टच को टूटने से बचाए, इसी कारण से इसको लगाया जाता है। देखिए इसको एकदम अच्छे तरीके से साफ़ करना है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हमको साफ़ करना है। देखिए कोई भी कचरा इसमें ना हो, इसको साफ़ करके रखे हुए हैं एकदम अच्छे तरीके से, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए इसको एकदम अच्छे तरीके से साफ़ करना है, और यहाँ कैमरे के लगे कोई गर्दा माटी ना हो, और जाली लगाने के भुला जाते हैं काफ़ी दुकानदार। देखिए ये जाली लगा रहना चाहिए, नहीं तो हमारा कैमरे में गर्द आ जाएगी। मोबाइल का अगर फोल्डर लगवाने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, और ऐसे ही लगवाना चाहिए जैसे बताए हुए हैं। देखिए सबसे पहले इसको टेप लगा देते हैं हम, टेप को कैसे लगाया जाता है बता देते हैं। आराम से एक टेप को ले लेना है ये छोटे से टुकड़े में, और इसको ऐसे उठा लेते हैं और इसको आराम से इसमें डिस्प्ले के बीच में डालेंगे, आराम से चला जाता है। देखिए
देखिए ये इतना चला गया है, अब इसको ऐसे हम मोड़ देते हैं। देखिए ऐसे मोड़ देते हैं, देखिए ये मुड़ गया हमारा। हमको इतना टेप काट देना है, देखिए इतना। सब मोबाइल में नहीं काटना पड़ता है, जिस मोबाइल में देखिए पहले इतना काट देते हैं तब बताते हैं। देखिए इतना काट को हमको निखार देना है। काहे काट को निखार देना है, ये हमारा पत्ता ऐसे मुड़ेगा जाके इस चार्जिंग बोर्ड में लगेगा इसमें, और इसको ऐसे मोड़ के इसको ऊपर को लगाना पड़ता है। काफ़ी मोबाइल में ये नहीं दिया रहता, केवल ऐसे ही पत्ता लगा रहता है। उसको ऐसे लगा के यहाँ तक ऐसे मोड़ सकते हैं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें काटने की ज़रूरत पड़ जाएगी, काहे को हमको पत्ता लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा देखिए ये हमारा एकदम बैठ गया है। अब जो केमिकल लगाएंगे चिपकाने वाला तो इसमें टच नहीं करेगा, पन्नी टेप इसके बीच में रहता है, इसी कारण से टच नहीं होगा। हमारा फोल्डर ज़्यादा दिन तक चलेगा। और इस स्टीकर को निकाल देते हैं, देखिए स्टीकर को देखिए। अक्सर कहके अगर हम फोल्डर लगवाते हैं तो दुकानदार इस टेप को नहीं निखारता है, ऐसे ही छोड़ देगा। बाद में यहीं से पानी जाएगी आपके मोबाइल में, यहीं से टूटने का डर रहता है, इसी कारण से हमको इसको पूरा निकाल देना है। देखिए कभी अगर आप फोल्डर लगवाए होंगे तो आप देखे होंगे किनारे से जहाँ टेप ऐसे लगा रहता है वहाँ पर ही लगा ही रहेगा। देखिए अब इसको टेप फोल्डर हमारा लगाने लायक हो गया है मोबाइल में, आराम से बैठ जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। देखिए मोबाइल के डिस्प्ले को वैसे ही लगवाना चाहिए जैसे ही बताए हुए हैं, वैसे ही लगवाओगे तो ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा आपका फोल्डर, नहीं तो जैसे दुकानदार पाते हैं वैसे ही लगा देते हैं। अगर आपका मोबाइल का फोल्डर 150 कम ही में लगा दे रहे हैं 100-200 में, तो ऐसे फोल्डर लगाने से क्या मतलब है, जो 10 दिन 5 दिन चले उससे क्या मतलब रहता है। जो दुकानदार अच्छा लगाए वहीं पर ही लगवाना चाहिए, जो जैसे बताए हुए हैं ऐसे ही लगाना चाहिए। आप समझ गए होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में ऐसे छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं।